नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सचिवालय से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज शिक्षकों की बरसों की जो मांग थी, बरसों की जो मुराद थी, आज पूरी हो गई है। शिक्षकों ने इसके लिए लंबा संघर्ष किया था। शिक्षक संघ सहित जितने भी MLC हैं लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव बनाए हुए थे कि स्कूल का समय 10 बजे से 4 बजे कर दिया जाए, लेकिन आज अंततः शिक्षा विभाग ने अपना आदेश जारी कर दिया, 9:30 से 4 बजे तक अब स्कूल चलेगी। वर्षों पुरानी मांग जो शिक्षकों की थी आज पूरी हो गई है। शिक्षकों में खुशी की लहर है। शिक्षा मंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री ने कई बार उनको इंस्ट्रक्ट किया था कि स्कूल का समय है जो उसमें बदलाव किया जाए। आज शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री का सुन लिया, आज शिक्षा विभाग ने बदलाव का आदेश जारी कर दिया। 9:30 बजे से 4 बजे तक अब स्कूल चलेगी। लेकिन सबसे खास बात देखने के लिए है कि शिक्षा विभाग, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया था, उनके सरकारी कर्मी का उनको दर्जा दिया गया था। शिक्षकों ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया था। गदगद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को खुश करने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। यह JDU की तरफ से बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, NDA सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि शिक्षक अगर खुश होंगे तो वोट करेंगे। कल विजय कुमार चौधरी, पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, अभी वर्तमान में जल संसाधन मंत्री हैं, शिक्षकों से उन्होंने अपना संबोधन में कहा था कि आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति निष्ठा रखिए। विजय चौधरी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि आप अगर नीतीश कुमार के साथ मजबूत कीजिएगा तो आप भी मजबूत रहिएगा। इशारों में विजय कुमार चौधरी ने बड़ी बातें शिक्षकों से कह दी थी। शिक्षकों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ताली बजाकर स्वागत किया था। गदगद मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को बड़ा उनको लाभ दिया, बड़ी घोषणा कर दी, साफ साफ कह दिया कि आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहीं आप नौकरी करेंगे। पूरे बिहार में शिक्षकों में लहर दौड़ गया। बड़ी घोषणा शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है, 9:30 बजे से 4 बजे तक अब स्कूल चलेगी। महिला शिक्षकों को जहाँ बहुत लाभ पहुँचने वाला है, महिला शिक्षक दूर दराज के गाँव में काम कर रही थी, उनको बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, निश्चित रूप से महिला शिक्षकों में खुशी है। साथ ही पुरुष शिक्षकों ने भी इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई दिया है। कई शिक्षकों का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हमारी बरसों पुरानी मांगे थी आज शिक्षा विभाग ने पूरी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार इसके लिए बधाई के पात्र हैं।